प्यारे बच्चों, आपके सुस्वास्थ्य एवं प्रसन्नता की सदैव कामना है। बच्चों, आज हम आपकी हिंदी पाठ्य पुस्तक सुनहरी धूप में से अगला पाठ अर्थात पाठ 9 छोटा जादूगर अ स्मॉल मैजिशियन पढ़ेंगे। इस कहानी के लेखक हिंदी के सुप्रसिद्ध कवि, लेखक व नाटककार जयशंकर प्रसाद जी हैं। आइए पहले उनके विषय में पाठ के अंत में दी गई पंक्तियां पढ़ें। पृष्ठ संख्या 71। हिंदी के सुप्रसिद्ध कवि, लेखक, नाटककार, उपन्यासकार एवं कथाकार जयशंकर प्रसाद का जन्म वाराणसी के एक संभ्रांत वैश्य परिवार में सन 1889 में हुआ था। वे हिंदी, संस्कृत, फारसी और उर्दू भाषाओं के अच्छे ज्ञाता थे। अजातशत्रु, ध्रुव स्वामिनी और चंद्रगुप्त इनकी प्रमुख नाट्य रचनाएं हैं। कंकाल, तितली आदि इनके प्रसिद्ध उपन्यास हैं। कामायनी, आंसू, लहर, झरना आदि इनकी सुप्रसिद्ध काव्य कृतियां हैं। सन 1937 में इनकी मृत्यु हो गई। अपने छोटे से जीवन में प्रसाद जी ने अपनी रचनाओं से हिंदी साहित्य का अत्यधिक संवर्धन किया। तो अब पाठ परिचय पढ़ते हैं। पृष्ठ संख्या 67। पाठ 9 छोटा जादूगर। इस कहानी में लेखक जयशंकर प्रसाद जी ने एक ऐसे बालक का वर्णन किया है जिसे खेल तमाशा दिखाकर अपनी बीमार माँ के इलाज और अपने जीवन निर्वाह की व्यवस्था करनी पड़ती थी। छोटी सी उम्र में उसने पैसे और काम के महत्व को भली भांति समझ लिया था। उसके हाथों और शब्दों में विचित्र आकर्षण था। कार्निवल मीन्स मेला के सभी खिलौने उस बालक के हाथों का स्पर्श पाकर सजीव अभिनय करने लगते थे। तो आगे है मेरी के ऐश का कथन, आइए पढ़ते हैं। प्रत्येक सुबह हमारी कहानी का एक नया पृष्ठ आरंभ करती है जिसे हमें अपने प्रयास से श्रेष्ठ बनाना होता है। इसका तात्पर्य है कि हमारा जीवन भी एक लंबी कहानी के समान है। हर नई सुबह हमारी जीवन की इस कहानी का एक नया पृष्ठ खोलती है जिसे हम अपने प्रयासों से श्रेष्ठतम बना सकते हैं। तो आइए अब हम कहानी पढ़ते हैं। कार्निवल के मैदान में बिजली जगमगा रही थी। चारों ओर हंसी और विनोद का कलनाद गूंज रहा था। कलनाद मीन्स मधुर ध्वनि, स्वीट साउंड ऑफ लाफ्टर। उस छोटे फुहारे के पास, फुहारा मीन्स फाउंटेन के पास, एक लड़का चुपचाप शरबत पीने वालों को देख रहा था। उसके गले में फटे कुर्ते के ऊपर से मोटी सी सूत की रस्सी पड़ी थी और जेब में ताश के कुछ पत्ते थे। ताश मीन्स कार्ड्स, जो हम खेलते हैं प्लेइंग कार्ड्स। उसके मुंह पर गंभीरता के साथ धैर्य की रेखा थी। धैर्य मीन्स पेशेंस, गंभीरता सीरियसनेस। उसकी ओर ना जाने क्यों मैं आकर्षित हुआ, मीन्स अट्रैक्ट। उसके अभाव में भी कुछ संपूर्णता थी। अभाव मीन्स लैक, मीन्स गरीब थे, वह बच्चा गरीब था, मतलब लैकिंग एवरीथिंग। पर फिर भी सब उसके व्यवहार में कुछ ऐसा प्रतीत होता था जैसे वह संपूर्ण है, अपने आप में कंप्लीट है। मैंने पूछा, क्यों जी, तुमने इसमें क्या देखा?
मैंने सब देखा है। यहाँ चूड़ी फेंकते हैं, खिलौनों पर निशाना लगाते हैं, तीर से नंबर छेदते हैं। मुझे तो खिलौनों पर निशाना लगाना अच्छा लगा। जादूगर तो बिल्कुल निकम्मा है, उससे अच्छा ताश का खेल तो मैं दिखा सकता हूँ, उसने बड़े जोश से कहा। उसकी वाणी में कहीं रुकावट ना थी। मैंने पूछा, और उस पर्दे में क्या है? वहाँ तुम गए थे? नहीं, मैं नहीं जा सका, टिकट लगता है। मैंने कहा, तो चलो मैं वहाँ तुम्हें ले चलूँ। मैंने मन ही मन कहा, भाई आज के तुम ही मित्र रहे। उसने कहा, वहाँ जाकर क्या कीजिएगा, चलिए निशाना लगाया जाए, मीन्स हिटिंग द टारगेट। वो गेम होती है ना वहाँ पे मेले में जो खेलते हैं बच्चे। मैंने उससे सहमत होकर कहा, तो चलो पहले शरबत पी लिया जाए। उसने हाँ के बहाने सिर हिला दिया। मनुष्यों की भीड़ से जाड़े की संध्या भी वहाँ गर्म हो रही थी। जाड़ा मीन्स विंटर्स, विंटर्स संध्या मतलब इवनिंग। हम दोनों शरबत पीकर निशाना लगाने चले। राह में ही मैंने उससे पूछा, तुम्हारे घर में और कौन कौन हैं? माँ और बाबूजी। उन्होंने तुम्हें यहाँ आने के लिए मना नहीं किया? बाबूजी जेल में हैं। क्यों? देश के लिए, वह गर्व से बोला। ये कहानी देश की स्वतंत्रता प्राप्ति से पहले की लिखी हुई है, तो उस समय इसके इस छोटे जादूगर के पिताजी भी उन्होंने स्वतंत्रता संग्राम में भाग लिया होगा, जिस कारण उन्हें जेल जाना पड़ा होगा। तो इसलिए वो बड़े गर्व से कहता है कि मेरे पिताजी जेल में हैं, देश के लिए, देश की स्वतंत्रता के लिए वे जेल में हैं। और तुम्हारी माँ, वह बीमार है और तुम तमाशा देख रहे हो। उसके मुंह पर तिरस्कार की हंसी फूट पड़ी। तिरस्कार मतलब अपमान, मींस फेल्ट इंसल्टेड। तमाशा देखने नहीं, दिखाने निकला हूँ। कुछ पैसे ले जाऊंगा तो माँ को पत्थे दूंगा। पत्थे मतलब वह भोजन जो किसी बीमार व्यक्ति को दिया जाता है। मुझे शरबत ना पिलाकर यदि आपने मेरा खेल देखकर मुझे कुछ पैसे दे दिए होते तो मुझे तसल्ली हो जाती। मैं आश्चर्य से उस 13-14 वर्ष के लड़के को देखने लगा। हाँ, मैं सच कहता हूँ बाबूजी, माँ जी बीमार हैं, इसलिए मैं नहीं गया। कहाँ? जेल में। जब कुछ लोग खेल तमाशा देखते ही हैं तो क्यों ना मैं दिखाकर माँ की दवा करूं और अपना भी पेट भरूं। मैंने दीर्घ निश्वास लिया। दीर्घ निश्वास मतलब लंबी सांस। चारों ओर बिजली के लट्टू नाच रहे थे। मन व्यग्र हो उठा, व्यग्र मतलब बेचैन। मैंने उससे कहा, अच्छा चलो निशाना लगाया जाए। हम दोनों उस जगह पहुंचे जहां खिलौनों को गेंद से गिराया जाता था। मैंने 12 टिकट खरीदकर उस लड़के को दिला दिए। वह निकला पक्का निशानेबाज। उसकी कोई गेंद खाली नहीं गई। देखने वाले दंग रह गए, मींस हैरान रह गए। उसने 12 खिलौनों को बटोर लिया, लेकिन उठाता कैसे? कुछ मेरे रुमाल में बांधे, कुछ जेब में रख लिए। लड़के ने कहा, बाबूजी आपको तमाशा दिखाऊंगा, बाहर आइए, मैं चलता हूँ। वह 9:50 हो गया। 9:50 होना एक मुहावरा है जिसका अर्थ होता है भाग जाना, मतलब यहाँ पे वह अचानक गायब हो गया। मैंने मन ही मन कहा, इतनी जल्दी आंखें बदल गईं? आंखें बदल जाना मतलब मुंह फेर लेना, मतलब भूल जाना सब। मैं घूमकर पान की दुकान पर आ गया। पान खाकर बड़ी देर तक इधर उधर टहलता हुआ सब देखता रहा। झूले के लोगों का ऊपर नीचे आना देखने लगा। अकस्मात मींस अचानक किसी ने ऊपर के हिंडोले से पुकारा, हिंडोला मतलब झूला, बाबूजी। मैंने पूछा, कौन?
मैं हूँ छोटा जादूगर, कलकत्ता के सुंदर बॉटेनिकल उद्यान में लाल कमिलिनी से भरी हुई एक छोटी सी झील के किनारे घने वृक्षों की छाया में अपनी मंडली के साथ बैठा हुआ मैं जलपान कर रहा था। मतलब मे बी पिकनिक के लिए अपनी फैमिली और अपने फ्रेंड्स के साथ लेखक इस जगह पर झील के किनारे पहुंचा हुआ था। बातें हो रही थी, इतने में वही छोटा जादूगर दिखाई पड़ा, हाथ में चार खाने की खादी का झोला और आधी बाहों का कुर्ता, सिर पर मैला रुमाल सूत की रस्सी से बंधा था। मस्तानी चाल से झूमता हुआ आकर कहने लगा, बाबूजी नमस्ते, आज कहिए तो खेल दिखाऊं। नहीं जी, अभी हम लोग जलपान कर रहे हैं, फिर इसके बाद गाना बजाना होगा। बाबूजी नहीं जी, तुम्हें मैं क्रोध से कुछ और कहने जा रहा था, तभी श्रीमती जी ने कहा, दिखलाओ जी, तुम तो अच्छे आए, भला कुछ मन तो बहले। मैं चुप हो गया, क्योंकि श्रीमती जी की बोली में माँ किसी वह मिठास थी जिसके सामने किसी भी लड़के को रोका नहीं जा सकता। उसने खेल आरंभ किया। उस दिन कार्निवल के सब खिलौने उसके खेल में अपना अभिनय करने लगे। भालू मनाने लगा, बिल्ली रूठने लगी, बंदर घुड़कने लगा, मतलब अपनी आवाज़ निकालने लगा, गुड़िया का ब्याह हुआ, गुड्डा वर काना निकला, काना मतलब वन आइड, जिसकी एक आंख खराब हो। लड़के की बातों से ही खेल हो रहा था, सभी हंसते हंसते लोटपोट हो गए। मतलब वो जो छोटा जादूगर था, वो जो लड़का छोटा बच्चा, वो इतने अच्छे ढंग से खेल दिखा रहा था, सारी कहानी खुद ही बना रहा था, खुद ही बोल रहा था, ऐसे लग रहा था वो जो ये सब उसके खिलौने हैं वो वही अभिनय कर रहे हैं, जबकि वो स्वयं बोलकर सारी कहानी बता रहा था और लोग जो थे बहुत इंजॉय कर रहे थे। मैं सोच रहा था, बालक की ज़रूरतों ने उसे जल्दी ही चतुर बना दिया, मतलब क्लेवर। यही तो संसार है, ताश के सब पत्ते लाल हो गए, फिर सब काले हो गए, गले की सूत की डोरी टुकड़े टुकड़े होकर जुड़ गई, मतलब पहले पीसीस में उसके टुकड़े हो गए, फिर से जुड़ गई, मतलब उसने ऐसा जादू दिखाया। लट्टू अपने आप नाच रहे थे। मैंने कहा, अब हो चुका, अपना खेल बटोर लो, हम लोग भी अब जाएंगे। श्रीमती जी ने धीरे से एक रुपया दे दिया, वह उछल पड़ा। मैंने कहा, लड़के छोटा जादूगर कहिए, यही मेरा नाम है, इसी से मेरी जीविका है, जीविका मतलब लाइवलीहुड, रोजी रोटी। मैं कुछ बोलना ही चाहता था कि श्रीमती जी ने कहा, अच्छा तुम इस रुपये से क्या करोगे? पहले भरपेट पकौड़ी खाऊंगा, फिर एक सूती कंबल लूंगा, कंबल मतलब ब्लैंकेट। मेरा विवेक अब लौट आया, विवेक मतलब सोचने समझने की शक्ति। मैं अपने पर बहुत क्रुद्ध होकर सोचने लगा, मतलब उसको अपने आप पर, लेखक को अपने आप पर गुस्सा आने लगा, ओह कितना स्वार्थी हूँ मैं, स्वार्थी मतलब सेल्फिश। उसके एक रुपया पाने पर मैं ईर्ष्या करने लगा था ना, मतलब फीलिंग जेलस। वह नमस्कार करके चला गया, हम लोग लता कुंज देखने के लिए चले गए। उस छोटे से बनावटी जंगल में संध्या साएं साएं करने लगी थी, मतलब शाम के समय जो हवा के चलने से कुछ आवाज़ें निकलती हैं, साएं साएं की आवाज़, तो वो आने लगी। डूबते हुए सूर्य की अंतिम किरण पेड़ों की पत्तियों से विदाई ले रही थी। चारों ओर सुनसान था। हम लोग धीरे धीरे मोटर से हावड़ा की ओर आ रहे थे। रह रहकर छोटा जादूगर स्मरण हो आता था, मतलब उसकी याद आ रही थी। सचमुच वह एक झोंपड़ी के पास कंबल कंधे पर डाले खड़ा था। मोटर रोककर उससे पूछा, तुम यहाँ कहाँ?
मेरी माँ यही है ना, अब उसे अस्पताल वालों ने निकाल दिया है। मैं उतर गया, उस झोंपड़ी में देखा तो एक स्त्री चिथड़ों से लदी हुई कांप रही थी। चिथड़े मतलब पुराने फटे पुराने कपड़े, टॉर्न क्लॉथ्स से लदी कांप रही थी, मतलब शिवरिंग। छोटे जादूगर ने कंबल ऊपर डालते हुए कहा, माँ। मेरी आंखों से आंसू निकल पड़े। बड़े दिन की छुट्टी बीत चली थी, मुझे अपने ऑफिस में समय से पहुंचना था। कलकत्ता से मन ऊब गया, मतलब गॉट बोर्ड। चलते चलते एक बार फिर उस बाग को देखने की इच्छा हुई। साथ ही साथ जादूगर भी दिखाई पड़ जाता तो और भी। मैं उस दिन अकेले ही चल पड़ा। 10 बज चुके थे। मैंने देखा कि उस साफ धूप में सड़क के किनारे एक कपड़े पर छोटे जादूगर का रंगमंच सजा हुआ था। मैं मोटर रोककर उतर पड़ा। वहाँ बिल्ली रूठ रही थी, भालू मनाने चला था। ब्याह की तैयारी थी, पर सब होते हुए भी छोटे जादूगर की वाणी में प्रसन्नता की वह तरी नहीं थी। मतलब जैसे रूटीन में वो जब खेल दिखाता था, बड़े उत्साह से दिखाता था, खुशी होती थी उसकी आवाज़ में, तब वो प्रसन्नता, वो खुशी उसकी आवाज़ में झलक नहीं रही थी। मतलब वह सैड नज़र आ रहा था। जब वह औरों को हंसाने की चेष्टा कर रहा था, चेष्टा मतलब कोशिश, प्रयास, तब जैसे स्वयं कांप जाता। उसे मैं आश्चर्य से देख रहा था। खेल हो जाने पर पैसा बटोर कर उसने भीड़ में मुझे देखा, वह जैसे क्षण भर के लिए मूर्तिमान हो गया। मूर्तिमान मतलब लाइक स्टैच्यू, मतलब स्थिर हो गया, खड़े का खड़ा रह गया, मतलब विदाउट हिले, बिना हिले डुले। मैंने उसकी पीठ थपथपाते हुए कहा, आज तुम्हारा खेल जमा नहीं, जमा क्यों नहीं? माँ ने कहा है कि आज तुरंत चले आना, मेरी अंतिम घड़ी समीप है। अंतिम घड़ी समीप होना मतलब मरने के करीब होना। अविचल भाव से उसने कहा, अविचल मतलब स्थिर भाव से, मतलब स्टेबल, मतलब कोई उसके भाव में ना हंसी थी, खुशी थी, ना गम था। तब भी तुम खेल दिखलाने चले आए? उसने कहा, क्यों ना आता। और कुछ अधिक कहने में जैसे वह अपमान का अनुभव कर रहा था। क्षण भर में मुझे अपनी भूल मालूम हो गई। उसके झोले को गाड़ी में फेंककर उसे भी बैठाते हुए मैंने कहा, जल्दी चलो। मोटर वाला मेरे बताए हुए पथ पर चल पड़ा। कुछ ही मिनटों में मैं झोंपड़े के पास पहुंचा। जादूगर दौड़कर झोंपड़े में माँ माँ पुकारते हुए घुसा। मैं भी साथ था, किंतु स्त्री के मुंह से बे निकलकर रह गया। मतलब वो बेटा कहना चाहती थी पर बोल नहीं पाई, उससे पहले ही उसके प्राण निकल गए। उसके दुर्बल हाथ उठकर गिर पड़े, दुर्बल मतलब कमज़ोर, वीक। जादूगर उससे लिपटा रो रहा था। मैं भौचक्का खड़ा था, मतलब हैरान, हक्का बक्का। उस साफ धूप में सारा संसार जैसे जादू सा मेरे चारों ओर नाच रहा था। तो इसके लेखक हैं जयशंकर प्रसाद। तो बच्चों, आपने देखा कि कई बार परिस्थितियां बच्चों को भी उम्र से पहले ही बड़ा व जिम्मेदार बना देती हैं। बहुत टचिंग स्टोरी थी। तो बच्चों, अगली बार हम इस पाठ का अभ्यास करें व प्रश्नोत्तर करेंगे। तब तक के लिए गुड बाय।